नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोन सैनी फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों पीछे जो अमरूद का प्लांट आपको दिख रहा है एक्चुअली में काफ़ी बड़ा है और ये आई थिंक 5-6 साल का है जो मैंने ग्राफ्टिंग करके तैयार किया था। इसके अंदर अभी एकदम से क्या प्रॉब्लम आई है, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ इसके पत्ते जो हैं वो मुरझा गए और जो फ्रूटिंग है वो भी जैसे अलसाई से हो रही है। इसका मतलब इसके रूट्स में कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज इतना बड़ा प्लांट जो है इस तरह से नहीं होता। प्लांट को जो है अगर मुरझाता है और फ्रूटिंग भी इस तरह से हो रही है तो इसकी जड़ में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या अभी इसकी गुड़ाई करके देखी है तो इसके अंदर क्या है कुछ कीड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा काम या तो दीमक करती है या जो ये कीड़े हैं ये करते हैं जो कि रूट्स को ख़राब कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और इसके अंदर हम एक दवाई डालेंगे आज ताकि उन कीड़ों को हम मार सकें, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम देखते हैं एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों इसमें फ्रूट जो है वो काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं ये देखिए, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो ऐसे मुरझाया ऐसा हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ जो फ्रूट है वो भी ऐसे अलसा गए हैं। ये फ्रूट जो है ये देखिए कैसा हो गया, अलसाया हो गया और ये देखिए इस तरह से टूट के गिर भी जाते हैं। तो और ये पत्तियाँ जो है ये भी इसके अंदर जो चमक है वो नहीं है, ऐसा है जैसे जब कोई ब्रांच टूट जाती है तब ऐसा होता है कि इस तरह से पत्ते हो जाते हैं, लेकिन ये पूरे प्लांट के साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए पत्तियाँ कैसी हो गई है, ये इस तरह से पत्तियाँ गिर भी रही है अलसा के। यहाँ पे देखिए एक फ्रूट है, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। इसके फ्रूट जो है वो इस तरह से हो गए जैसे फ्रूट को तोड़ने के बाद जो नीचे पड़े हुए हमें मिलते हैं वैसे फ्रूट हो गए हैं। इसके अंदर जो रस है जो नमी है वो कम हो गई है। तो ये प्रॉब्लम है प्लांट के रूट्स की वजह से। तो मैं आज इसकी खुदाई की है मैंने थोड़ी सी और मैंने एक कीड़ा देखा इसके अंदर जो आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें वो कीड़ा है और इसको जो है चींटियाँ लग गई अभी। ये कीड़ा है आपने भी देखा होगा, आपने किसी प्लांट के नीचे अगर आप विलेज से हैं और खेत है आपके तो खेत में तो ज़रूर देखा होगा जो बाजरे की फसल है जो फसल के जो हिस्सा नीचे रह जाता है उसमें इस तरह के जो है ये बनते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है, ये जड़ों को ख़राब कर देते हैं जिससे प्लांट जो है ऊपर से मुरझाता आ जाता है और धीरे धीरे प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक दवाई है वो यूज़ करूँगा। तो दोस्तों मैं जो है ये दवाई का पैकेट लेके आया हूँ जो आज हम इसमें डालेंगे। और इसके अंदर देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने भी इंसेक्ट हैं जो हमारे प्लांट के अंदर होते हैं प्लांट के नीचे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे जितने भी इंसेक्ट होते हैं। उसके लिए स्पेशल है ये हिंडोल कीटनाशक है ये और इसका आज हम उपयोग करेंगे। ये देखिए इस तरह का पैकेट आता है इसका, ये आप सभी प्लांटों में डाल सकते हैं, गुड़ाई करके उसके अंदर डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको पानी में मिला के डाल सकते हैं या गुड़ाई करके पहले सूखी इसके अंदर मिला दे और फिर पानी दे दे, उससे क्या है ये नीचे तक चली जाएगी और जो प्लांट है आपका वो इन कीटों से रहित हो जाएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कीट कौन कौन से हैं। ये कीट आप देख सकते हैं और जो कीट मैंने अभी आपको दिखाया था वो यहाँ पर है ये वाला। तो हम तो जो इसका उपयोग है वो इस कीट के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनमें से अगर और भी कोई कीट इसके अंदर हुआ तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो प्लांट हमारा जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो चलिए इसका यूज़ करते हैं हम। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्या है प्लांट को जो है इस तरह से गुड़ाई करके थोड़ी सी जगह आप तैयार कर लें ताकि इसके रूट्स तक जा सके दवाई। इस तरह से जैसे हमने खाद दिया था सेम वैसे ही इसको देंगे। प्लांट को जब हम खाद देते हैं वैसे ही इसी को डालना है और फिर इसको मिक्स करके और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये है हिंडोल, चलिए थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जब भी इसका यूज़ करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, या तो आप मास्क पहन ले या इस तरह से इसका यूज़ करें कि आपको सांस के साथ ही ना जाए क्योंकि इसमें पॉइजन होते हैं और बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखें हमेशा। चलिए अब इसको जो है मिक्स कर देंगे और इसमें पानी डालना ना भूलें, पानी ज़रूर डालिए तभी ये जो है अच्छे से काम करेगी। पानी के साथ घोलकर, पानी घोलकर भी हम डाल सकते हैं लेकिन मैं ये मेथड यूज़ करूँगा, इसमें जो है ये अपने आप जो है चली जाएगी रूट्स के साथ। अब इसमें जो है पानी और डाल देंगे। अगर आपके गमले में भी इस तरह से कोई इंसेक्ट है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं गमले में भी। तो
दोस्तों हमने जो है हिंडोल जो दवाई है वो इसके अंदर यूज़ कर दी है। ये 15 दिन में दोबारा से यूज़ करूँगा मैं, 3 बार कम से कम इसको अंदर यूज़ करूँगा। आई होप ये प्लांट हमारा सेफ रहेगा। आपके भी अगर किसी प्लांट प्रॉब्लम है तो ये दवाई आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये मार्केट से लेके आया हूँ, आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों आपके भी किसी प्लांट में इस तरह का कीड़ा आपने अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या आपके प्लांट में किसी और तरह का कीड़ा लगा है तो वो बताइए कि कौन सा कीड़ा लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम आई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।